Assalamualaikum students, हमारा जो अब तक टॉपिक चल रहा है दैट इज रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन. अभी तक हम नेफ्रॉन के रेगुलेटरी फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिस्कस किया था एक लेक्चर में. उसके बाद हमने प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल डिस्कस किया था एक लेक्चर में. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट. इन तीनों को आज हमने डिस्कस करना है हमारे आज के लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ कि प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास 100% ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो गया था, 100% अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो गए थे, ठीक है, 65% सोडियम रीअब्सॉर्ब हो गया था, 65% वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया था, 65% बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो गए थे, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम काफी अमाउंट में ये रीअब्सॉर्ब हो चुका था. कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर. प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड था दैट वाज आइसोटोनिक. कैसा फ्लूइड था? आइसोटोनिक फ्लूइड था. ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. अब ये आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल के बाद नीचे आता है. कहाँ पे आता है? डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये आइसोटोनिक फ्लूइड कहाँ पर आ रहा है? डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर. ठीक है, और हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारी डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले है दिस इज परमिएबल टू वाटर. हमारे पास जो डिसेंडिंग लिम है दिस डिसेंडिंग लिम इज ओनली परमिएबल टू वाटर. दिस डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल टू वाटर. यानी कि ये जो आइसोटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्डिलेटरी ट्यूब्यूल से हमारे पास डिसेंडिंग लिम के अंदर आया था. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के चैनल्स होते हैं, एक्वापोरिन ये चैनल्स कहलाते हैं. ठीक है, ये हमारे पास वाटर के चैनल्स हैं. ये हमारे पास वाटर के चैनल्स हैं, एक्वापोरिन कहलाते हैं. बेसिकली एक्वापोरिन कहलाते हैं ये चैनल्स. इन चैनल से क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. ठीक है, हमारे पास डिसेंडिंग लिम में सिर्फ और सिर्फ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी. और कितना परसेंट वाटर रीअब्सॉर्ब होगा हमारे पास? 15% वाटर रीअब्सॉर्ब होगा. कितने परसेंट वाटर रीअब्सॉर्ब होगा? 15% वाटर रीअब्सॉर्ब होगा. डिसेंडिंग लिम में सिर्फ और सिर्फ वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी. यहाँ पे कोई भी सल्यूट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा. यहाँ पे कोई भी सल्यूट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, अब जब आइसोटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब में आया और जब यहाँ पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट होने लगी तो अब ये फिल्ट्रेट कैसा हो गया? अब ये फिल्ट्रेट हो गया हाइपरटोनिक. कैसा होगा? हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट होगा. क्यों हाइपरटोनिक? क्योंकि हमारे पास जब वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, वाटर निकल गया, तो पीछे जो फिल्ट्रेट बचा वो कैसा फिल्ट्रेट था? हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट. कैसा फिल्ट्रेट था? हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट. अब ये हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास ट्रेवल करेगा असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर. कहाँ ट्रेवल करेगा? असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर. ठीक है, और जो हमारे पास असेंडिंग लिम है ये सिर्फ सल्यूट से परमिएबल है. यानी कि असेंडिंग लिम पे सिर्फ और सिर्फ क्या रीअब्सॉर्ब होगा? सल्यूट रीअब्सॉर्ब होगा. यहाँ पे कोई भी वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता. असेंडिंग लिम पे कोई भी वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता. असेंडिंग लिम पे हमारे पास चैनल्स होते हैं, ये हमारे पास चैनल्स होते हैं. ठीक है, ये चैनल्स कहलाते हैं सोडियम, पोटेशियम, टू क्लोराइड. कौन से चैनल्स हैं? सोडियम, पोटेशियम, टू क्लोराइड. इन चैनल से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड निकल रहा है. क्या निकल रहा है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड. इन चैनल से क्या निकल रहा है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड निकल के रीअब्सॉर्ब हो रहा है. ठीक है, तो जो हमारे पास हमारी असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, दैट इज ओनली परमिएबल टू सल्यूट. ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सल्यूट रीअब्सॉर्ब हो सकता है. यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा. असेंडिंग लिम्ब के अंदर हमारे पास चैनल्स होते हैं. ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, टू क्लोराइड. यानी कि इन चैनल से एक सोडियम, एक पोटेशियम
दो क्लोराइड, एक सोडियम एक पोटेशियम दो क्लोराइड, एक सोडियम एक पोटेशियम दो क्लोराइड। ये सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड क्या हो रहे होते हैं? रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 25% सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, 30% पोटेशियम रीअब्सॉर्ब होगा और 30% क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो असेंडिंग लिम है, दिस इज ओनली परमिएबल टू सल्यूट, यहाँ पे सिर्फ सल्यूट गुजर सकता है, यहाँ पे वाटर गुजर नहीं सकता। सल्यूट के लिए यहाँ पे कौन से चैनल्स है? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड। कौन से चैनल्स है? सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड। इन चैनल से 25% सोडियम 30% कैल्शियम, सॉरी 25% सोडियम 30% पोटेशियम और 30% क्लोराइड भी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो थे, ठीक है, तो पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के जरिए रीअब्सॉर्ब होंगे। कैसे रीअब्सॉर्ब होंगे? पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के जरिए। मैग्नीशियम और जो कैल्शियम वगैरह थे वो पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास क्या होंगे? रीअब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, यानी कि सेल्स के बीच जो स्पेसेस थे उन स्पेसेस से ये रीअब्सॉर्ब होंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो ये वाला, ये पूरा, यानी कि हमारे पास पूरा नेफ्रॉन है, दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज डिसेंडिंग लिम, दिस इज असेंडिंग लिम, दिस इज डिस्टल एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये नेफ्रॉन के बीच का जो स्पेस है ये हमारे पास कहलाता है मेड्यूला। क्या कहलाता है? मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम। क्या कहलाती है? मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेल्स के बीच का जो स्पेस है ये कहलाती है इंटरस्टीशियम कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरस्टीशियम कहलाती है। तो ये सारा स्पेस हमारे पास कहलाएगी मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम। क्या कहलाएगी? मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम कहलाएगी। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताने लगी हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। ऑस्मोलैलिटी बताने लगी हूँ मैं आपको। ऑस्मोलैलिटी बेसिकली क्या होती है? मोल्स, मोल्स ऑफ सल्यूट। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सल्यूट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सल्यूट इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाइपोटोनिक भी हो सकती है जब सल्यूट कम हो, हाइपरटोनिक भी हो सकती है यानी कि सल्यूट ज्यादा है, और आइसोटोनिक भी हो सकती है यानी कि सल्यूट और वाटर का अमाउंट क्या है? इक्वल है। क्लियर है? अच्छा, जो हमारे पास फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल से आ रहा था वो आइसोटोनिक था। कैसा था? आइसोटोनिक। और आपको पता है हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल। कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल होती है। 300 मिली ऑस्मोल होती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, हमारे पास 300 मिली ऑस्मोल होती है। जो प्रॉक्सिमल के अंदर फ्लूड था दैट वाज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक टू व्हाट? आइसोटोनिक टू ब्लड। यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और प्रॉक्सिमल में मौजूद फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी क्या थी? सेम थी, दे बोथ वर आइसोटोनिक। तो कितनी होगी? 300 मिली ऑस्मोल। अच्छा, अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता जा रहा था वॉटर रीअब्सॉर्ब हो रहा था, यानी कि वॉटर हमारे पास डिस्टल से निकल के इंटरस्टीशियम में जा रहा था, डिस्टल से निकल के इंटरस्टीशियम में जा रहा था। और जब ये फिल्ट्रेट हमारे पास असेंडिंग में आ रहा था, जब ये फिल्ट्रेट हमारे पास असेंडिंग के अंदर आ रहा था, तो इस फिल्ट्रेट से क्या निकल रहे थे? सल्यूट निकल रहे थे, सॉल्ट्स निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? सॉल्ट्स निकल रहे थे। इस फिल्ट्रेट से क्या निकल रहे थे? सॉल्ट्स निकल रहे थे। अब मेड्यूला के अंदर एक मेड्यूला के अंदर हमारे पास वॉटर भी है, जो कि कहां से रीअब्सॉर्ब हुआ है, जो कि कहां से निकला है? वो डिसेंडिंग से निकला है। और मेड्यूला के अंदर हमारे पास सॉल्ट्स भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम भी है। ठीक है, मेड्यूला के अंदर हमारे पास वाटर भी है, जो कहां से निकला है? डिसेंडिंग से निकला है। इसी मेड्यूला के अंदर हमारे पास सॉल्ट्स भी है, जो कि कहां से निकले हैं? असेंडिंग से निकले हैं। तो हमारे पास जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल से आया था वो आइसोटोनिक था। कैसा था? आइसोटोनिक। तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर, यानी कि जहां पे प्रॉक्सिमल था वहां पे मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300 मिली ऑस्मोल थी। लेकिन जैसे जैसे मेड्यूला में हम नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, यानी कि डिसेंडिंग और असेंडिंग के लेवल पे हम जैसे जैसे मेड्यूला के अंदर नीचे आते जाएंगे, तो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे पास वॉटर के साथ साथ सल्यूट भी रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है, और सल्यूट
कंपैरेटिवली ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है. हम देख रहे हैं कि 15% वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन सल्यूट हम देख रहे हैं 25% सोडियम, 30% पोटेशियम, 30% क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है. तो वाटर से ज्यादा क्या क्या रीअब्सॉर्ब हुए जा रहे हैं, सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो रहा है. तो मेडुला के अंदर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. थोड़ा नीचे आएंगे 500 मिली ऑस्मोल, और नीचे आएंगे 700 मिली ऑस्मोल, और नीचे आएंगे 900 मिली ऑस्मोल, और नीचे आएंगे 1200 मिली ऑस्मोल होती जाएगी. ठीक है, मेडुला की, ये मैं आपको बता रही हूँ मेडुला की ऑस्मोलैरिटी. मैं आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग की नहीं बता रही हूँ, मैं आपको किसकी ऑस्मोलैरिटी बता रही हूँ, मैं आपको मेडुला की ऑस्मोलैरिटी बता रही हूँ. कि मेड्यूला जब प्रॉक्सिमल के लेवल था तो वो आइसोटोनिक ही था उस वक्त मेड्यूला. ठीक है, लेकिन मेड्यूला डिसेंडिंग और असेंडिंग के लेवल पे जैसे जैसे नीचे आता गया तो मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. 500 से 700, 700 से 900, 900 से 1200 होती जाएगी. यानी कि क्योंकि सॉल्ट की ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने की वजह से हमारा मेड्यूला क्या होता गया, हमारा मेड्यूला हाइपरटोनिक होता गया. ठीक है, वाटर 15% रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट ज्यादा 25% सोडियम, 30% पोटेशियम, 30% क्लोराइड. सॉल्ट के ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारा मेड्यूला क्या होता जा रहा है, हमारा मेड्यूला हाइपरटोनिक होता जा रहा है. क्या होता जा रहा है, हाइपरटोनिक होता जा रहा है. ठीक है, अच्छा आप लोग देख रहे हो कि एक लिम्ब में हमारे पास वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, और दूसरे लिम्ब में हमारे पास किसकी रीअब्सॉर्प्शन है, सल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है. यहाँ नीचे जो है, नीचे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है. ठीक है, नीचे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, एक डायरेक्शन में वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और दूसरे डायरेक्शन में कौन रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो रहा है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट. क्या कहलाता है ये, काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर. ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है काउंटर करंट एक्सचेंज काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर. ठीक है, कि एक लिम्ब में हमारे पास वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है और दूसरे लिम्ब में हमारे पास किसकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रीअब्सॉर्प्शन जो हो रही है, ये हमारे पास कहलाते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर. और इस रीअब्सॉर्प्शन की वजह से क्या क्रिएट हो रही है, इस रीअब्सॉर्प्शन की वजह से हमारे पास मेड्यूला की हाइपरटोनिसिटी क्रिएट हो रही है. ठीक है, इस वाटर और ज्यादा सॉल्ट के रीअब्सॉर्प्शन की वजह से हमारा मेड्यूला क्या होता जा रहा है, हमारा मेड्यूला हाइपरटोनिक होता जा रहा है. क्या होता जा रहा है, हाइपरटोनिक होता जा रहा है. तो बेसिकली मेड्यूला की हाइपरटोनिसिटी को कौन, बेसिकली मेड्यूला को हाइपरटोनिक कौन कर रहा है, काउंटर करेंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर. ठीक है, मेड्यूला को हाइपरटोनिक कौन करे, काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर. यानी कि एक लिम्ब में वाटर का रीअब्सॉर्ब होना और दूसरे लिम्ब के अंदर सॉल्ट का रीअब्सॉर्ब होना, और वाटर के मुकाबले में सॉल्ट ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास मेड्यूला क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है. और ये मेड्यूला की हाइपरटोनिसिटी कौन कॉज करा रहा है, मेड्यूला की हाइपरटोनिसिटी काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर कॉज करा रहा है. यानी कि एक लिम्ब में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन और दूसरे लिम्ब में सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन. यहाँ तक क्लियर है बच्चों. अच्छा, वापिस से आइसोटोनिक फिल्ट्रेट था प्रॉक्सिमल के अंदर. जब वो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग के अंदर आया तो उस फिल्ट्रेट से वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया. तो फिल्ट्रेट कैसा हो गया, हाइपरटोनिक. कैसा हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पे मेड्यूला की बात नहीं हो रही है. दिमाग बेसिकली दिमाग खोल के सुनिएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं फिल्ट्रेट की बात कर रही हूँ, मेड्यूला की बात नहीं कर रही हूँ. गौर से, ठीक है, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट आ रहा है प्रॉक्सिमल से, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आएगा, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. तो अब फिल्ट्रेट कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया. ये हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास गया असेंडिंग लिम्ब के अंदर, इसमें से सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो गए. ठीक है, जब इस फिल्ट्रेट में से सॉल्ट निकल गए तो अब ये फिल्ट्रेट कैसा हो गया, अब ये फिल्ट्रेट हो गया हाइपोटोनिक. कैसा हो गया, बेसिकली हाइपोटोनिक हो गया. ठीक है, तो डिसेंडिंग के अंदर जो फिल्ट्रेट, सॉरी डिस्टल कॉन्ट्रिब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट जाएगा वो फिल्ट्रेट बेसिकली कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा. कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा. क्लियर है, फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल के अंदर आइसोटोनिक था, वो नीचे डिसेंडिंग के अंदर आया, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो गई, जिससे फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो गया.
अभी हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास असेंडिंग के अंदर गया, सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो गए, ठीक है। जब सॉल्ट इस फिल्ट्रेट से निकल गए तो अभी फिल्ट्रेट कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। और ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास कहाँ पे जा रहा है? डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये फिल्ट्रेट हमारे पास डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा, ठीक है, तो डिस्टल के अंदर हमारे पास किस किस की रीअब्सॉर्प्शन होगी? डिस्टल के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन होगी। यहाँ पे बेसिकली हाँ, ये हमारे पास सेल है, इस सेल डिस्टल के अंदर जो फिल्ट्रेट जाएगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर मजीद सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन होगी, इस फिल्ट्रेट के अंदर मजीद वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी, इस फिल्ट्रेट के अंदर मजीद कैल्शियम आयंस की रीअब्सॉर्प्शन होगी। क्लियर है बच्चों? जब ये फिल्ट्रेट हमारे पास डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर मजीद सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, मजीद क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होगा, मजीद बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होंगे, मजीद कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा। क्लियर है? अच्छा, हमने ये डिस्टल कॉर्नेटेड, ये हमारे पास डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल है, पूरी हमारे पास क्या है बच्चों? डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल। इस डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला पार्ट हमारे पास अर्ली डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है? अर्ली डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है? लेट डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल है। ये वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग का, दैट इज अर्ली डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल। और ये वाला पार्ट क्या है? लेट डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल है। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास होगा क्या? अर्ली डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल, अब हमारे पास बेसिकली बचा है, अच्छा, 65% सोडियम हमारे पास प्रॉक्सिमल के अंदर रीअब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। 25% सोडियम हमारे पास असेंडिंग लिम्ब के अंदर रीअब्सॉर्ब हुआ है। अब हमारे पास बचा है 10% सोडियम। कितने परसेंट सोडियम बचा है? 10% सोडियम बचा है, ठीक है। उसमें से 5% हमारे पास, 5% हमारे पास कहाँ रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं? अर्ली डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स है, यहाँ पे सोडियम की कंसेंट्रेशन लो है। सोडियम की कंसेंट्रेशन क्या है? लो है। और ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो ये सोडियम जो है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिलके, ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिलके बेसिकली डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल से कहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा? ब्लड के अंदर। कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? हमारे पास ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और इन सेल्स के अंदर सोडियम कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। तो ये सोडियम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स सोडियम और क्लोराइड को इस ट्यूब्यूल से निकाल के कहाँ रीअब्सॉर्ब करा देंगे? ब्लड में रीअब्सॉर्ब करा देंगे। यहाँ पे 5% सोडियम और क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ट्यूब्यूल के अंदर, डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर सोडियम कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो सोडियम विल मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, यानी कि ट्रांसपोर्टर सोडियम को भी लेके जा रहा है और क्लोराइड को भी लेके जा रहा है। कहाँ रीअब्सॉर्ब करा रहे? ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करा रहे, ठीक है। अभी भी 5% सोडियम हमारे पास बाकी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम का लेवल लो होता है, तो हमारे बेसिकली हमारे पास हार्मोन का एक अलग टॉपिक है, वो आपकी थोड़ी देर में क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है तो एक हार्मोन आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉयड हार्मोन आता है। ये कहाँ से आता है, इसकी डिटेल हम अपने हार्मोन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन आता है, ठीक है। और ये हार्मोन क्या रीअब्सॉर्ब कराता है? ये हार्मोन कैल्शियम रीअब्सॉर्ब कराता है। क्या रीअब्सॉर्ब कराता है? कैल्शियम रीअब्सॉर्ब कराता है, ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब कराएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम कम है, तो हमारे डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल के अंदर एक हार्मोन आता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल से क्या रीअब्सॉर्ब करा देता है? कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करा देता है, ठीक है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल से क्या रीअब्सॉर्ब करा रहा है? कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करा देता है। क्लियर है?
ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अच्छा, अब हम आते हैं लेट डिस्टल कॉलेटरी रूल पे। कहाँ पे आते हैं? लेट डिस्टल कॉलेटरी रूल पर आते हैं। हमारे पास डिस्टल कॉलर ट्यूब्यूल के अंदर एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम कहलाता है मैक्यूला डेंसा। ठीक है, वो सिस्टम कहलाता है मैक्यूला डेंसा। ठीक है, और ये मैक्यूला डेंसा क्या सेंस करता है? सोडियम की कंसेंट्रेशन सेंस करता है। क्या सेंस करता है? सोडियम की कंसेंट्रेशन सेंस करता है। अगर तो इसको लगे, हमारे पास डिस्टल के अंदर एक सिस्टम होता है वो कहलाता है मैक्यूला डेंसा। क्या कहलाता है? मैक्यूला डेंसा। अरे मैक्यूला डेंसा क्या सेंस कर रहा है? बेसिकली ये सोडियम की कंसेंट्रेशन सेंस कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास ब्लड के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होगी, अगर हमारे पास ब्लड के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होती है, ठीक है, तो एक हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन। ये लिखा हुआ है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन आता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन आता है। कहाँ से आता है, कैसे, पूरा प्रोसेस हम जो है वो अपने हार्मोन वाले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हमारे पास ब्लड के अंदर सोडियम कम है, जब हमारे पास मैक्यूला डेंसा ने सेंस किया कि ब्लड के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन कम है, तो कौन सा हार्मोन आया बेटा? एल्डोस्टेरोन आया। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन पता है किसको एक्टिवेट करता है? ये एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। ये एक्टिवेट करेगा सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन जो है ये किसको एक्टिवेट करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप को। ये थ्री सोडियम को अंदर ब्लड में रीअब्सॉर्ब कराएगा। ठीक है, और दो पोटेशियम को ट्यूब्यूल के अंदर लेके आएगा। और दो पोटेशियम को कहाँ पे लेकर आएगा? ट्यूब्यूल के अंदर लेके जाएगा। यानी कि जब एल्डोस्टेरोन आएगा तो ब्लड में क्या रीअब्सॉर्ब होगा? सोडियम। और ब्लड से क्या निकलेगा? पोटेशियम निकलेगा। हमारे पास स्पेस का इश्यू है तो इसलिए आप लोग बियर कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास सोडियम की कंसेंट्रेशन कम होगी तो कौन सा हार्मोन आएगा? एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन आएगा? एल्डोस्टेरोन। और एक इसको एक्टिवेट करेगा सोडियम पोटेशियम पंप को। किसको एक्टिवेट करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप को। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास डिस्टल कॉलेटरी ट्यूब्यूल है, और ये हमारे पास सेल है, और ये हमारे पास ब्लड वेसल है। ठीक है, तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन आएगा। कौन आएगा? एल्डोस्टेरोन। ये यहाँ पे किसको एक्टिवेट करेगा? सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करेगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? तीन सोडियम को ब्लड में रीअब्सॉर्ब कराएगा और दो पोटेशियम को ब्लड से लाके ट्यूब्यूल में डालेगा। दो पोटेशियम को ब्लड से लाके कहाँ डालेगा? ट्यूब्यूल में डालेगा। यानी कि एल्डोस्टेरोन ब्लड के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन को कम करेगा और ब्लड के अंदर से पोटेशियम निकाल के पोटेशियम कंसेंट्रेशन को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ब्लड के अंदर सोडियम कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा क्योंकि हमारे पास ये सोडियम कहाँ रीअब्सॉर्ब हो रहा है? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर से पोटेशियम को निकाल के पोटेशियम कंसेंट्रेशन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो एल्डोस्टेरोन कौन से पंप को एक्टिवेट करता है? सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है। ये पंप तीन सोडियम को ब्लड में रीअब्सॉर्ब कराएगा यानी कि ब्लड में सोडियम बढ़ाएगा और दो पोटेशियम को ब्लड से लाके ट्यूब्यूल में डालेगा यानी कि ब्लड से पोटेशियम कंसेंट्रेशन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास डिस्टल के अंदर हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट गया था। कैसा फिल्ट्रेट गया था? हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट गया। आप लोग को नजर आ रहा है हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट गया है। हमारे पास डिस्टल यूजुअली जो है ये वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं करता। हमारे पास डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल यूजुअली वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करती है। सिर्फ एक सूरत में रीअब्सॉर्ब करती है, जब हमारे पास हार्मोन आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। जब कौन सा हार्मोन आएगा? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हमारे पास डिस्टल कॉलेटरी ट्यूब्यूल नॉर्मली वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करती है, सिर्फ एक कंडीशन में वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी। और वो कौन सी कंडीशन है? जब कौन सा हार्मोन आएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, हार्मोन पे हमारे पास अलग लेक्चर है। ठीक है,
ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ये बात याद रख रहे हैं कि हमारे पास डिस्टिल नॉर्मली वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करती है, डिस्टिल कॉलेज ट्यूबल नॉर्मली वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, सिर्फ उस कंडीशन में करती है जब हमारे पास डिस्टिल पे एक हार्मोन आता है, और वो कौन सा हार्मोन आता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये वाला हार्मोन आएगा तो हमारे पास डिस्टिल कॉलेज ट्यूबल क्या रीअब्सॉर्ब करती है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक है, जब हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन डिस्टल कॉलिटिव्यूल पे काम करेगा तभी सिर्फ और सिर्फ डिस्टल कॉलिटिव्यूल क्या रीअब्सॉर्ब करेगी, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड में वाटर की कंसेंट्रेशन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, अच्छा डिस्टल पे भी यूजुअली हमारे पास फ्लूइड जो अच्छा सॉरी अब हम थोड़ा देखते हैं पीएच मेंटेनेंस पे। हमने आपको कहा था कि किडनी का काम है ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि सल्यूट और वाटर को मेंटेन करना, एक्सक्रीशन यानी कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना, और पीएच मेंटेनेंस यानी कि पीएच को मेंटेन करना। हमारे पास लेट डिस्टल में दो तरह के सेल्स होते हैं, ये जो ब्लू से बने हुए ये हमारे पास कहलाते हैं प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का हमारे पास सेल बना हुआ है, ये जो ब्लू कलर का हमारे पास सेल बना हुआ है ये कहलाता है प्रिंसिपल सेल्स, और ये क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं, सोडियम रीअब्सॉर्ब करते हैं, क्या रीअब्सॉर्ब करें, सोडियम। ये ब्लू कलर का हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सेल। और इसी कैसे लेट के अंदर हमारे पास मजीद दो तरह के सेल्स हैं, लेट डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। क्या कहलाते हैं, इंटरकैलेटेड सेल्स। डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये हमारे पास है अर्ली डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल, ठीक है, और ये हमारे पास है लेट डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल। लेट डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल में हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये वाले सेल्स हमारे पास कहलाते हैं प्रिंसिपल सेल्स, जो कि क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं, सोडियम रीअब्सॉर्ब करते हैं, जहां पे कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, क्लियर है। और ये जो रेड से सेल्स बने हुए हैं ये हमारे पास कहलाते हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। क्या कहलाते हैं ये, इंटरकैलेटेड सेल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरकैलेटेड सेल्स करते क्या हैं। देखो, अगर ब्लड की पीएच एसिडिक है, अगर ब्लड की पीएच बच्चों कैसी है, एसिडिक है, यानी कि ब्लड की पीएच कम है, ब्लड की पीएच एसिडिक है, तो इस सेल में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये टूटेगा प्रोटॉन के अंदर यानी कि हाइड्रोजन आयंस के अंदर, और किसके अंदर, बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, ठीक है। अगर ब्लड की पीएच कम है, ब्लड की पीएच एसिडिक है, तो हमारे पास जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये दोनों मिलकर बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास टूटेगा हाइड्रोजन आयंस के अंदर और बाइकार्बोनेट के अंदर। ब्लड की पीएच कम है ना, तो ये बाइकार्बोनेट हम कहाँ रीअब्सॉर्ब कर देंगे, ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर देंगे, ताकि ब्लड की पीएच कैसी हो सके, बेसिक हो सके, यानी कि नॉर्मल हो सके। ब्लड की पीएच एसिडिक है, ब्लड की पीएच को हमने बढ़ाना है ताकि ये नॉर्मल हो सके, तो ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, ताकि ब्लड की पीएच क्या की जा सके, बढ़ाई जा सके, ठीक है। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन आयंस चूंकि एसिडिटी है ब्लड के अंदर, एसिड ज्यादा है, तो इस हाइड्रोजन आयन को हमने कहाँ डाल दिया, ल्यूमिन में डाल दिया। किधर डाल दिया, इस ल्यूमिन में डिस्टल कॉलेज ट्यूब्यूल के अंदर डाल दिया, ताकि हाइड्रोजन आयन को हम ब्लड से रिमूव कर सके, ताकि इस हाइड्रोजन आयन को हम ब्लड से क्या कर सके, रिमूव करके एक्सक्रीट आउट कर सके, ठीक है। अच्छा आपको पता है यहाँ ये वाले चैनल कहलाते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाती है, हाइड्रोजन और पोटेशियम की काउंटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास एक्सक्रीट हो रहा है, और पोटेशियम क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जब हाइड्रोजन निकलेगा, जब हमारे पास सेल से हाइड्रोजन निकल के इस डिस्टिल के अंदर जाएगा, तो डिस्टिल से पोटेशियम निकल के कहाँ पे आएगा, ब्लड के अंदर आएगा। ये चैनल हमारे पास कहलाता है हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये चैनल हाइड्रोजन को निकाल के
फिल्ट्रेट में डाल रहा है और फिल्ट्रेट से पोटेशियम को निकाल के ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया फिल्ट्रेट से, सॉरी हमने हाइड्रोजन को ब्लड से निकाल के फिल्ट्रेट में डाल दिया ताकि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, और बाइकार्बोनेट को हमने कहाँ रीअब्सॉर्ब कराया, ब्लड में, ताकि ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाई जा सके ताकि ब्लड की पीएच नॉर्मल हो सके। ठीक है, ये तो एक केस है हमारे पास। अब हम यहाँ पे वो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास ब्लड की पीएच बेसिक है, ब्लड की पीएच क्या है, बेसिक है, यानी कि ब्लड के अंदर बेसिसिटी ज्यादा है, ब्लड की पीएच ज्यादा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, सेम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, ये कंबाइन होंगे कार्बोनिक एसिड, कंबाइन होंगे क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा हाइड्रोजन आयन्स के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। अब ब्लड की पीएच ज्यादा है, ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है, तो इस बाइकार्बोनेट आयन को हम जो है वो ब्लड से निकाल के कहाँ पे ले आएंगे, फिल्ट्रेट के अंदर ले आएंगे, ताकि इस बाइकार्बोनेट को निकाल दिया जाए और ब्लड की पीएच क्या हो सके, कम की जा सके। और ब्लड में हम क्या रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं, ब्लड में हम हाइड्रोजन आयन रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं ताकि ब्लड की पीएच थोड़ी सी एसिडिक कर सके, नॉर्मल कर सके। यहाँ पे ब्लड की पीएच जा रही है, वो वाला ये वाला काम कब होगा, जब ब्लड की पीएच एसिडिक होगी, याद रखिएगा बेटा, ये वाला काम उस वक्त होगा जब ब्लड की पीएच क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, और ये वाला काम उस वक्त होगा जब ब्लड की पीएच बेसिक होगी, जब ब्लड की पीएच क्या होगी, बेसिक होगी, तब ये वाले सेल्स काम करेंगे। ठीक है, ये वाले सेल्स बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट कर रहे हैं यूरिन के अंदर ताकि ब्लड की पीएच के अंदर से बाइकार्बोनेट आयन कम किए जा सके और पीएच नॉर्मल की जा सके। और ब्लड के अंदर क्या रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं, ये ब्लड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन्स को रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं ताकि ब्लड को थोड़ा सा एसिडिक करके नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, ये वाली कंडीशन में ब्लड बेसिक है, ब्लड की पीएच बेसिसिटी है, तो हमने क्या रीअब्सॉर्ब कराया, बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब करा, सॉरी हमने बाइकार्बोनेट आयन्स को निकाल के यूरिन में एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम पोटेशियम आयन को, सॉरी हम हाइड्रोजन आयन को रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं, हम हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहे हैं, ब्लड में रीअब्सॉर्ब करा रहे हैं ताकि ब्लड की पीएच को थोड़ा सा एसिडिक करके क्या किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमने काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर देखा है, अब हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज वाज़ारेक्टा, काउंटर करंट एक्सचेंज वाज़ारेक्टा। ठीक है, ये वाज़ारेक्टा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये वाज़ारेक्टा हमारे पास मेडुलरी इंटरस्टीशियम के अंदर यहाँ मौजूद होती है। अच्छा, वही मेडुलरी इंटरस्टीशियम की पीएच देखते हुए आते हैं हम, इनिशियली मेडुलरी इंटरस्टीशियम आइसोटोनिक था, नीचे आता आता क्या हुआ, हाइपरटोनिक होता गया। ऐसे ही हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास वाज़ारेक्टा भी लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रही है, लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रही है, ये वाज़ारेक्टा लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रही है। क्लियर है, ये मेडुलरी इंटरस्टीशियम में मौजूद है, ये लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रही है। क्लियर है, मेडुलरी इंटरस्टीशियम की ऑस्मोलैलिटी क्या थी, इनिशियली आइसोटोनिक था, नीचे आता आता क्या होता गया, हाइपरटोनिक होता गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक ये वाला लिम है वाज़ारेक्टा का, एक ये वाला लिम है वाज़ारेक्टा का, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमारे पास असेंडिंग लिम से निकले थे, जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास असेंडिंग लिम से निकले थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ारेक्टा के इस पार्ट में क्या हो रहे, रीअब्सॉर्ब हो रहा। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास असेंडिंग लिम से निकले थे, वो सोडियम क्लोराइड आहिस्ता आहिस्ता वाज़ारेक्टा के इस पार्ट में क्या हो रहे, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है ताकि मेडुला की हाइपरटोनिसिटी को थोड़ा कम किया जा सके, लेकिन इस वाले लिम के अंदर थोड़ा अजीब काम होता है, इस वाले लिम में वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और इस लिम से थोड़ा थोड़ा सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है ताकि मेड्यूला की ताकि हम मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम को हाइपरटोनिक ही रखें,
बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि मेडुलरी इंटरस्टीशियम हाइपरटोनिक ही रहे। अगर सारा सोडियम क्लोराइड यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाए तो क्या मेडुलरी इंटरस्टीशियम हाइपरटोनिक रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन हमें मेडुलरी इंटरस्टीशियम को क्या रखना है? हाइपरटोनिक रखना है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास स्लिम में रीअब्सॉर्ब हुआ था और वाटर निकला था, तो इंटरस्टीशियम की ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। लेकिन इस स्लिम में हमने वाटर को रीअब्सॉर्ब कराया और थोड़ा थोड़ा सोडियम क्लोराइड निकालते गए, थोड़ा थोड़ा सोडियम क्लोराइड निकालते गए ताकि ये सोडियम क्लोराइड मेड्यूला में रहे थोड़ा थोड़ा, और मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम की हाइपरटोनिसिटी को क्या किया जा सके? मेंटेन किया जा सके, ठीक है। ये पूरे मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम को क्या रखना है? बेसिकली हमने हाइपरटोनिक रखना है। और क्यों रखना है ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर जो है मेडुलरी इंटरस्टीशियम को हाइपरटोनिक करती है, लेकिन काउंटर करंट एक्सचेंज बाजार एक्टा जो है, ठीक है, ये मेडुलरी इंटरस्टीशियम की हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन करेगी। क्लियर है? एक साइड पे सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और वाटर थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है? वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सोडियम क्लोराइड निकलता जा रहा है ताकि मेडुलरी इंटरस्टीशियम हाइपरटोनिक ही रहे, ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर ने मेडुलरी इंटरस्टीशियम को हाइपरटोनिक बनाया, और इस मेडुलरी इंटरस्टीशियम की हाइपरटोनिसिटी को मेंटेन किसने किया? काउंटर करंट एक्सचेंज बाजार एक्टर ने मेंटेन किया, ठीक है। अच्छा, हमें मेडुलरी इंटरस्टीशियम को हाइपरटोनिक रखना है। क्या रखना है? मेडुलरी इंटरस्टीशियम को हाइपरटोनिक रखना है। अच्छा, अब ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास था, हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब से कहाँ पे गया? डिसेंडिंग लिम्ब से हमारे पास गया कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब से कहाँ गया? कलेक्टिंग डक्ट में गया। कलेक्टिंग डक्ट पे अगेन एक हार्मोन आता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वही वाला जो यहाँ पे एक्ट किया था ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, ठीक है, और ये यहाँ पे चैनल्स बनाता है, कलेक्टिंग डक में चैनल्स बनाता है, एक्वापोरिन पोर। कौन से बनाता है? एक्वापोरिन, ठीक है, एक्वापोरिन पोर के चैनल्स बनाता है, ठीक है। और ये चैनल्स क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं? वाटर रीअब्सॉर्ब करते हैं। ये चैनल्स क्या रीअब्सॉर्ब करते हैं? वाटर। एंटी डायरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक में चैनल्स बनाता है, एक्वापोरिन 4। कौन से चैनल बनाता है? एक्वापोरिन 4। और ये एक्वापोरिन 4 क्या रीअब्सॉर्ब करे बेसिकली कलेक्टिंग डक में? वाटर। क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास डिस्टल से जो फिल्ट्रेट है वो हाइपोटोनिक है। क्या हम हाइपोटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करना बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें अपने यूरिन को क्या करना है? हाइपरटोनिक करना है। हाइपरटोनिक करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या रीअब्सॉर्ब कराना है? वाटर रीअब्सॉर्ब कराना है, ठीक है। और ये वाटर कब रीअब्सॉर्ब होता है? एक तो फैक्टर नंबर वन, हमारे पास क्या आएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक पे किसकी रीअब्सॉर्प्शन करेगा? वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेगा। एक काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक काम क्या है? इसका एक काम ये है कि ये एक्वापोरिन के चैनल्स बना के वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करेगा। और दूसरा काम आपको पता है क्या है इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का? कि यहाँ पे चैनल्स बनाएगा यूरिया के। किसके चैनल्स बनाएगा? यूरिया के। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक पे दो काम करता है, एक तो एक्वापोरिन के चैनल्स बना के वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराता है, दूसरा कलेक्टिंग डक जो है, दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो